को सब्सक्राइब करें हुंकार 24/7 को, दबाएं इस बेल आइकन को और देखें हमारी वीडियो सबसे पहले। जो हमारे मिनिस्टर हैं, उन मिनिस्टर ने मान लिया है कि दिल्ली सरकार मुझे रिक्वेस्ट लेटर भेजे, हमने चिट्ठी दी है आर के सिंह जी को। अब आर के सिंह जी कहते हैं भाई रमेश कल को लालू की तरह मैं और आप भी जेल में होंगे। ये तो सरकारी मामला है, सरकार मांगे ना, सरकार जमीन मांगे, रमेश के कहने से जमीन दे दी जाएगी। तो इसीलिए दिल्ली सरकार एनटीपीसी को जाकर जमीन मांगे, एनटीपीसी की हमारी जिम्मेवारी है, वो बाउंड्री लाइन को पीछे हटा देगी, एनटीपीसी को बाउंड्री करके दिल्ली सरकार दे और ये जैतपुर ताजपुर के सामने वाली सड़क भी 40 मीटर चौड़ी सड़क हो जाएगी। 40 मीटर का मतलब होता है 120 फीट चौड़ी सड़क, चार लाइन की सड़क हो जाएगी। हमें लोग जूझना ही नहीं पड़ेगा, लेकिन ये कष्ट आपको 2 साल और भोगने पड़ेंगे इस आम आदमी की सरकार को भगाने तक, मुझे लगता है। और अगर वो तैयार है इस बात को लेकर तो एनटीपीसी के हमारे मिनिस्टर हैं जो ऊर्जा मंत्री, उनको चिट्ठी लिखे, आर के सिंह से हमारी बात हो गई है, हमसे वो चिट्ठी ले ले। आप में से कोई आदमी है, आप आरडब्ल्यू के लोग बैठे हैं, मैं आपको कह रहा हूं, मैं राम जी जी आपको चिट्ठी दे दूंगा जो आर के सिंह जो मैंने दी है, और आर के सिंह जी को कहो या उस विधायक के घर जाकर बैठिए, आप धरना दीजिए, हमारे पार्षदों के साथ जाइए कि भाई एनटीपीसी को लिखिए कि इस सड़क को हम बनाने को तैयार, बाउंड्री हम करने को तैयार। जैसे किशन पाल जी ने कहा भारत सरकार बीजेपी का मंत्री पार्क की बाउंड्री करके दे सकता है, तो आप ये हमारे लिए बाउंड्री नहीं करोगे एनटीपीसी की क्या? तो एनटीपीसी की वो बाउंड्री अगर करने की मंजूरी मिल जाए तो वो मिल जाएगी। और जो हमारा पुल है एनटीपीसी वाला, इसके हमने मुलायम सरकार को 7 करोड़ रुपए एनटीपीसी ने दे रखे थे, मुलायम सरकार में बन नहीं रहा था, लेकिन अब वो 6 महीने के अंदर अंदर बनकर तैयार हो जाएगा। हमारी मीटिंग हो गई है, यूपी सरकार मान गई है, पहला ठेकेदार ब्लैक लिस्ट हो गया है, तो एनटीपीसी वो एक और पुल बन जाएगा जो अधूरा पड़ा हुआ पुल है, तो उससे भी हमें थोड़ी निजात इस जाम से मिल जाएगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। और पुनः आज तो हमें ज्यादा भाषणबाजी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो लोगों की जानकारी में होनी चाहिए, लोगों की समझ में होनी चाहिए। तो ये जो काम है, जो आम आदमी पार्टी के काम है, आम आदमी पार्टी अगर इस काम को करें तो केंद्र सरकार मोदी जी का एजेंडा है सबका साथ सबका विकास, कि सबका साथ मिलना चाहिए और सबका विकास होना चाहिए। तो ये दिल्ली की ऐसी अनैतिक सरकार है जो सबका साथ के साथ साथ देने को तैयार नहीं है, जिसके कारण से हमें कोप का भाजन ये बंदा पड़ रहा है। इसलिए यहाँ पर बदरपुर में एक पुल, एक बदरपुर में पार्क, बिलूरी साहब मैं आपसे निवेदन करूंगा, मैं डीडीए के कमिश्नर को बुला लूंगा, आप भी आ जाओगे तो ठीक है, वो पार्क बनकर तैयार हो गया है। बदरपुर के लोगों में भी पार्क नहीं था, एक मोरटबंद का बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, एक बदरपुर में बन जाएगा। तो बदरपुर में क्योंकि वो डीडीए की जमीन थी, जनता फ्लैट के सामने थी और लोकल शॉपिंग सेंटर की जमीन थी, लोकल शॉपिंग सेंटर की जमीन जो डीडीए ने ऑक्शन करके बेचनी थी, कोई सरकार ऐसी कॉमर्शियल जमीन को नहीं देता। हमने डीडीए में बात करके मंत्री जी से, उस टाइम वेंकैया जी मंत्री थे, उनसे बात करके उस जमीन का लैंड यूज चेंज कराया और कॉमर्शियल डीडीए की करोड़ों रुपए की जमीन हमने पार्क में तब्दील करा दी, वहां 2 एकड़ में पार्क बनकर तैयार हो गया है, बेंच डल गई है और वहां पर गेट लग गया है और वहां पर अब घास लग जाएगी उस पार्क में। 1 हफ्ते बाद वहां पर हम बदरपुर में भी उसका इंस्पेक्शन करेंगे, बदरपुर के हमारे कोई बंधु आए हो। इसी प्रकार से यहां पर ये जो मीठापुर पर जो जाम लगता है, जो कुछ लोगों ने पैसे वगैरह इकट्ठे करके आप लोगों ने काम किए, उसका हमने मैप और नक्शा बनवा दिए, लेकिन फिर वही बात फंस गई है। अब यूपी गवर्नमेंट फिर कह रही है कि विदुड़ी साहब सड़क को हम बना देंगे, पैसा दिलवा दो। अब नक्शा बना पड़ा है, मैं कॉपी आपको दे दूंगा, वो नक्शा बहुत बढ़िया है, पीछे बीच में उसमें एक फाउंटेन फुहारा लग जाएगा, हरा पार्क बन जाएगा, चारों तरफ से बस घूम जाएगी, बस घूमने की जगह तो बस अंदर आनी शुरू हो जाएगी, लेकिन दिल्ली सरकार पैसे नहीं दे रही। तो मैंने कमिश्नर साहब से निवेदन किया है कि एमसीडी का हमारा जो काउंसलरों का फंड है, उस आधे फंड को रोक दीजिए बदरपुर वालों को, आप ये आपके पास रोते रोते आएंगे भिदुड़ी साहब, देख लेना मेरी शिकायत करेंगे आपसे, कहेंगे जी हम आपके चेले हैं इसलिए हमारे पैसे को कटवा रहे हैं रमेश भिदुड़ी जी। तो ये मैं कमिश्नर साहब से निवेदन करूंगा कि हमारे निगम पार्षदों के जो फंड का पैसा है, आधा पैसा उसमें वो वहां से लगाकर इस पुल में लगाकर यूपी गवर्नमेंट को दे दे, जिससे बन जाएगा। अब मैं कह दूंगा कमिश्नर साहब से, आप ये चारों तैयार हो गए हैं, क्योंकि एमसीडी के पास तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं, मुसीबत ये हो रही है, केजरीवाल पैसा देता नहीं है और हमारा एमपी फंड लग नहीं सकता। एमपी फंड लग जाए
तो फिर तो कोई समस्या ही नहीं है। एमपी वन लग नहीं सकता, वो नए प्रोजेक्ट के अंदर लगता है, सड़क की मेंटेनेंस और रिपेयरिंग के लिए नहीं लगता। ये पार्क नया बनेगा ना, इसमें एमपी फंड लग जाएगा हमारा, क्योंकि नया बनेगा। बाद में इसकी मेंटेनेंस रिपेयरिंग होगी तो एमपी फंड नहीं लगेगा, वो राज्य सरकार का पैसा लगता है, केंद्र का पैसा नए प्रोजेक्ट के अंदर लगता है। ये गाइडलाइन है भारत सरकार की, सभी एमपीओ के साथ थी, कोई हमारे से नहीं हमारे साथ थी। तो अब मैं कमिश्नर साहब से बात करके और विदुड़ी साहब ने सभी काउंसलरों की मंजूरी मुझे दिलवा दी है। ये मैंने थोड़ा मौके का, जब महेश जी मौके का फायदा उठा रहे थे तो कॉलेज बनवाने के लिए, तो मैं भी मौके का फायदा उठाऊं। मेरे बाद ये हां नहीं भरते जी, ये आपके पास जाते जी, देखो विदुड़ी हमें पैसा नहीं देने दे रहा जी, हमारे ट्रांसफर करवा रहा है पैसे को जी। तो इसीलिए मैंने भी सोचा इस मौके का फायदा उठा लेना चाहिए, जिससे लोगों को जाम का सामना ना करना पड़े। इसके ज्यादा ना बोलते, अपनी वाणी को विराम देते हुए आप इतनी भारी संख्या में आए, इसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करते हुए पुणे हमारी निगाह अच्छा आई है ना माए, मैंने आज ही देखा इनको रिजल्ट के बाद से, कभी देखा नहीं, बाहर गई थी शायद इधर उधर। तो अनामिका सिंह जी हमारी एक निगम पार्षद, वो भी आई हुई है, उनका भी हम हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत जय।